अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कुर्नूस उस्मान के एपिसोड नंबर 31 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। हज़ारों लोग वेट कर रहे हैं उसका। उसमें आज हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एपिसोड 31 के बारे में। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं, एक बहुत ही खास और नायाब मेहमान हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तान के नामवर 22 करोड़ आवाम के दिलों का धड़कन और कॉमेडी किंग कहलाने वाले वर्ल्ड में मशहूर फेमस एक्टर और फिल्म स्टार, जिनका नाम अजहर रंगीला साहब। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया आपने इतनी मोहब्बत से, इतने बड़े बड़े अल्फाज से नवाजा, मगर ये सब कुछ अल्लाह की रहमत है और कुछ नहीं है। सर आप इसके काबिल हैं, आप हज़ारों लोगों के दिलों में धड़कते हैं, इसीलिए आपको ये नाम दिया गया सर। बस बड़ी मेहरबानी, बस ये है कि आवाम प्यार करती है तो फनकार होता है, वरना वो कुछ नहीं होता। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश होगी कि ये फनकार जहाँ भी होते हैं, जहाँ भी हों, जैसे भी हों, इनको सिर्फ मोहब्बत और इज्जत दिया करें, बाकी सब अल्लाह देने वाला है। सर आप तुर्किश एक्टरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो कुर्नूस उस्मान का जो है रोल अदा कर रहे हैं, और अर्तुगरुल गाजी का, जो हिस्ट्री के एक नामवर गाजी और शहीद रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी उन्होंने इस्लाम के लिए, दीन के लिए दी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो ऐसे लोग हैं जिनको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, इसीलिए तो दुनिया आज भी उनको देख रही है, उनके जिक्र को सुन रही है, चूँकि हक जो होता है हमेशा रहता है। तो उन्होंने जो काम किए इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, आज वो हमारे लिए मशले रहा है, और हमें ये देख के कुछ नसीहत भी करनी चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह आवाम जो ख़ासतौर मुसलमान जो हैं दिल खोल के देख रहे हैं, इस हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सर कुछ पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, जो अर्तुगरुल गाजी और कुर्नूस उस्मान को बड़े शौक से देखते हैं, हमारे इसी चैनल पे देखते हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स और स्टार्स के बारे में? ये है कि अच्छी बात है, आप मतलब अपने लोगों को भी देखते हैं, दूसरों को भी देखते हैं, तो दूसरों को देखना चाहिए ताकि वो भी आपको इज्जत दे। आप अगर आज उनको इज्जत दे रहे हैं तो तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा मुसलमान मुल्क है, तो उसके फनकारों के लिए भी हमारी इसी तरह मोहब्बत है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के। सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मेरे नाज़रीन भी बहुत खुश हो गए होंगे, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स जो पूरी दुनिया से हमें देख रहे हैं। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना प्यार दोस्तों आपने मुझे दिया, ये बहुत बड़े नाम है, मैं तो इनके बराबर नहीं बैठ सकता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये दिल नसीब किया। तो तमाम दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, उसके बाद अजहर रंगीला साहब के जो कॉमेडी वीडियोस और फिल्मों के बारे में या उसके प्रोग्राम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, उनको करीब से आप फॉलो करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके चैनल का लिंक मिलेगा। दोस्तों जितना आपने मुझे प्यार दिया, उससे डबल ट्रिपल आपने प्यार अजहर साहब को देना है। अजहर रंगीला साहब के यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अभी जाएँ, उनको सब्सक्राइब करें, और साथ में उनके वीडियोज़ को लाइक शेयर लाजमी करें। जिस तरह आपने मुझे हमेशा प्यार दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को भी इसी तरह पसंद करेंगे। आपकी मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं, मेरा जो चैनल है रंगीला वन टीवी, उसे देखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आइंदा भी आपके साथ अच्छी गपशप करने के लिए ज़रूर आऊँगा। जी ज़रूर सर, हमारे नाज़रीन आपको देखना चाहेंगे, बल्कि हम इंतज़ार करेंगे आपका इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपके लिए दोस्तों एक और प्रोग्राम भी लेकर आएंगे अजहर रंगीला साहब का, जो आपको नहायत ही पसंद आएगा, जो आपको मिलेगा रंगीला वन टीवी पे। जाए देखें और एंजॉय करें। नाज़रीन एक चीज़ और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अजहर रंगीला साहब को किसी करेक्टर में आप देखना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई आपको एक्टिंग चाहिए, उस टॉपिक पे हम प्रोग्राम आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं तो। लेकिन उसके लिए आपको जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब करना होगा, वहीं पर आपको सारे प्रोग्राम मिलेंगे, वहाँ पर आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं कि आपको किस तरह का प्रोग्राम चाहिए। अब हम आते हैं कुर्नूस उस्मान के एपिसोड 31 की जानिब। दोस्तों कुर्नूस उस्मान का एपिसोड नंबर 31 28 तारीख को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे रिलीज किया जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा दोस्तों, एक्चुअल में ये होता है कि तुर्किश जितने भी चैनल हैं ना, उन्होंने सबटाइटल लेट देना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि
उनके पास जो व्यूवर्स होते हैं ना उनके तुर्की के, यानी कि तुर्की में जिस मुल्क का ये चैनल है या जिस मुल्क का ड्रामा है उधर के व्यूवर जो है वो जल्दी नहीं देख पाते, इस वजह से वो बेसिकली टीआर भी लेना चाहते हैं वहाँ की। पहले वो वहाँ पूरा दिखाते हैं, उसके बाद चार दिन बाद जाके सबटाइटल उर्दू में देते हैं, तब जाके सारे डब कर पाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों, आपके भाई ने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बाय कर दिया है जिसमें हम वीडियो डालेंगे वो खुद ब खुद उसको ट्रांसलेट करके उर्दू में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हम आपको अगले दिन ही आपको इंशाल्लाह उर्दू डबिंग में प्रोवाइड कर देंगे। एक और गुजारिश, एपिसोड नंबर 31 आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन आज नहीं उस पर टाइम डेट मैं लिख दूंगा, आपको उस टाइम उस डेट पे इस वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 28 तारीख से पहले पहले ज़्यादा लोग जुड़ जाएं इस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।